हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोसे सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जो उनका प्रोसीजर होता है बनाने का लंबा होता है। फर्मेंट करना पड़ता है, दाल और चावल को भिगोना पड़ता है, तो उस सब से बचने के लिए लोग कई बार बनाते ही नहीं है, जबकि डोसे सभी को बहुत पसंद होते हैं। आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। वो है इंस्टेंट डोसा मिक्स। इंस्टेंट रेडी डोसा मिक्स बहुत ही बढ़िया होता है, बनाने में बहुत आसान। एनी टाइम जब भी आपका मन करे आप 5 मिनट में अपने डोसे तैयार कर सकते हैं इस मिक्स से। एक बार इस मिक्स को बनाइए, 6 महीने तक एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दीजिए, और जब मन करे, जब भी देर हो रही हो, बच्चों को लंच बॉक्स बनाने में या ऑफिस जाने में, फटाफट आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट डोसा मिक्स बनाना। इंस्टेंट रेडी डोसा मिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप चावल का आटा। 1 कप यानी ये 250 ग्राम है, 250 ग्राम मैंने चावल का आटा लिया है। ये मैंने ली है 1/2 कप उड़द दाल, सफेद वाली उड़द दाल है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से बाजार में मिल जाती है। ये मैंने 1/2 कप ली है यानी 125 ग्राम। ये मैंने लिया है 1/4 कप पोहा। 1/4 कप हो गया 4 टेबल स्पून यानी 4 चम्मच मैंने ये पोहा लिया है। कोई भी आप पोहा ले सकते हैं, ये वही चिड़वा है जिसे चिड़वा भी बोला जाता है, चूड़ा भी बोला जाता है, और पोहे के नाम से भी ये मिल जाता है जिससे हम पोहा बनाते हैं। ये मैंने ली है 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1/4 कप रवा यानी सूजी, ये मैंने 1/4 कप ली है यानी 125 ग्राम के करीब, 1 टेबल स्पून अरहर दाल यानी तूर दाल, 1 टेबल स्पून चना दाल, 2 छोटी चम्मच नमक, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी, ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है पाउडर्ड फॉर्म, इससे बहुत अच्छा कलर आता है डोसे में, इसीलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। सबसे पहले गैस पर हम पैन चढ़ाएंगे, पैन को थोड़ा गर्म करेंगे और जितनी भी हमने ड्राई दाल ली है सबको ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ उड़द दाल, तूर दाल यानी अरहर, चना दाल, मेथी दाना, बहुत ही जरूरी है मेथी दाना क्योंकि इसको डोसे को ही अच्छा कलर भी देता है और इसको अच्छा फ्लेवर भी देता है। और सभी चीजों को बिल्कुल लाइट रोस्ट करेंगे, हल्का सुनहरा कर लेंगे भून करके, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो लगभग 1 से 2 मिनट के बीच हम इसको हल्का सुनहरा करेंगे, और जब ये हल्का हल्का शुरू हो जाए सुनहरा होना, उस स्टेज पर हम इसमें पोहा जो हमने चिरवा लिया था उसको डाल देंगे। इसको भी हम इसके साथ रोस्ट करेंगे, बहुत ही काम की चीज है, एक बार बना लीजिए और उसके बाद जब भी कभी भी आपको मन करे उत्पम का या डोसा बनाने का, बहुत ही जल्दी आप इस पाउडर से बना सकते हैं। इसमें अच्छा कलर आ गया है, हमें सिर्फ हल्का करना है इसको, तो गैस को ऑफ कर देंगे और सभी चीजों को ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब एक मिक्सी के जार में इसको बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा पीस लेंगे, बिल्कुल हमें बारीक करना होगा। जब तक वो सभी चीजें ठंडी हो रही हैं, हम ले लेते हैं चावल का आटा, राइस फ्लावर, इसको भी ड्राई रोस्ट करना है हमें, सूजी 1 मिनट के लिए इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे, इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी ये खराब नहीं होगा मिक्स। फ्लेम को थोड़ा लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे जिससे कि आटा जले नहीं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को अच्छी तरीके से धूप लगाकर पोंछ लें और मिक्सी में पीस लें बिल्कुल बारीक, तो उससे आपका चावल का आटा घर में ही तैयार हो जाएगा। 1 मिनट के करीब मैंने चावल का आटा और सूजी को भी भून लिया है, तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको भी ठंडा होने देते हैं। अब सभी चीजें ठंडी हो गई हैं, तो सबसे पहले जो हमने दाल तैयार की थी रोस्ट करके उसको पीस लेते हैं। एक जार लेंगे और उसमें सभी चीजों को डाल करके पीस लेंगे, और बिल्कुल फाइन पाउडर हमें तैयार करना होगा, एकदम बारीक।
तो ये देखिए मैंने पीस लिए है सारी दाल और पोहा एक साथ, और ये हो गया है बिल्कुल फाइन पाउडर। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके का आपको पीसना होगा। अब एक बोल लेंगे और बोल में इस सारे फाइन पाउडर को हम डाल देंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है, और ये जो चावल का आटा और सूजी हमने भुनी थी इसको भी इसी में मिक्स करेंगे, और बिल्कुल बढ़िया से दोनों चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, और अब सब चीजों को एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा इंस्टेंट डोसा रेडी मिक्स तैयार है। बस अब आप कभी भी इससे अपना डोसा, उत्पम, जो मर्जी करे चीला बनाइए, मसाला डोसा बनाइए, ओपन डोसा बनाइए, आप किसी भी तरीके का डोसा इससे बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इंस्टेंट डोसा रेडी मिक्स से डोसा कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप लीजिए एक बोल, और मैं यहाँ पर आपको एक डोसा बना के दिखा रही हूँ, तो मैं उतनी ही क्वांटिटी ले रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून डोसा मिक्स। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच दही, इससे इसमें अच्छा टेस्ट भी आएगा और बिल्कुल डोसे जैसा इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो मैं मैंने 2 टेबल स्पून जो मिक्स लिया है उसमें 1 चम्मच दही डाला है। अब बिल्कुल ज़रूरत के अनुसार कि हमारा डोसा जैसा बैटर तैयार हो जाए, हम ऐड करेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके। अभी भी ये थिक है तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बैटर जैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल बैटर की कंसिस्टेंसी का घोल तैयार कर लिया है। लगभग इतनी क्वांटिटी में 1/4 कप लगभग 4 से 5 चम्मच पानी इसमें मैंने ऐड किया है, और अब इस बैटर को 10 मिनट के लिए इसी तरह सेट होने देंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद हम तवे पर डोसा बनाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए डोसा बनाते हैं। सबसे पहले पैन रखेंगे और पैन को हल्का गर्म होने देंगे। ठंडे पैन पर हमें बिल्कुल डोसा नहीं डालना है। जब ये पैन गर्म हो जाएगा, आप ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, आपको हीट महसूस होगी, क्योंकि मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन लिया है, इसलिए बहुत ज्यादा ऑयल की हमें जरूरत नहीं है। अब इस पे 1-2 बूंद ऑयल डालेंगे और इसको ग्रीस करेंगे इस तरीके से। अब हम बैटर डालेंगे। फ्लेम को मैंने अभी लो रखा हुआ है क्योंकि तवा गर्म है, और इस तरीके से एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, लगभग हाई और मीडियम के बीच में हम रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स, अब आप देख सकते हैं कि ये अपने आप ही उठने लगा। बहुत ही आसान है मिक्स से डोसा बनाना। और अब हम इसको पलट देते हैं कि बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है। बस इसको नीचे से भी हम थोड़ा सा सेक लेते हैं, उसके बाद गैस ऑफ करके प्लेट में सर्व करेंगे। अब इसको हम प्लेट में सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट डोसा रेडी मिक्स बिल्कुल तैयार है। एनी टाइम आप इस तरीके के एक एयर टाइट कंटेनर में इसको भर करके आप फ्रिज में रख दें, तो आप जब भी आपको मन करे आप फटाफट 5 मिनट में अपना डोसा बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और अच्छा डोसा बन जाता है, चाहे आप मसाला डोसा बनाएं या कोई भी। तो मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये डोसा मिक्स की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।